हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AVS टेक अनंत सोनी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कस्टम डोमेन और कस्टम शॉर्ट डोमेन। कस्टम डोमेन तो आपको पता होगा कि कस्टम डोमेन तो जो सिंपल अपन यूज़ करते हैं www.anantvijaysoni.com, जैसा कि आपको इधर दिखाई दे रहा है कि www.anantvijaysoni.com, ये हो गया कस्टम डोमेन। और आप जैसे वर्डप्रेस करते हैं या ब्लॉगर यूज़ करते हैं, जो उधर डोमेन आपको मिलता है वो एक अलग ही डोमेन होता है कि anantvijaysoni.blogspot.com या anantvijaysoni.wordpress.com, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉन्ग डोमेन जो आप यूज़ करते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका जैसे इतना बड़ा नाम है कि www.anantvijaysoni.com/category मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, ये लोग कैसे याद रखेंगे? तो इससे अच्छा है कि एक छोटी सी लिंक लोगों को बना के दो जो कि लोगों को याद रहे। ठीक है, तो वो आपको लिंक कैसे बनानी है अभी आपको मैं अमेज़ॉन दिखाता हूँ। अमेज़ॉन का क्या फंडा है कि अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी है, वो भी जब भी आप एफिलिएट लिंक करते हैं, आप इसकी फुल लिंक देखिए, आप ये देखिए फुल लिंक इतनी बड़ी है कि आप इसको मतलब आप तो छोड़ो कोई नहीं याद कर सकता, अमेज़ॉन वाले खुद याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक सिंपल सी छोटी लिंक बना दी है जो कि आपको देखने में भी अच्छी लगती है, आप कहीं पोस्ट करेंगे तो भी अच्छी है, और शायद आपको अगर किसी को भेजना है, किसी को बताना है, तो आप फ़ोन पे बता सकते हो कि ये लिंक आप खोल के चेक कर लो। ठीक है, तो ये लिंक अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बनाना चाहते हैं कि अभी आपका जैसे ये अमेज़ॉन का है कि इतनी बड़ी लिंक दिखाई दे रही है, आप पेस्ट करके या किसी को फ़ोन पे नहीं बता सकते हैं, तो आपको क्या है, आपने बिटली का नाम सुना होगा। ठीक है, बिटली जो है, बिटली का शॉर्ट आपके डोमेन को शॉर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी एक कस्टम डोमेन यूज़ करें लाइक avsn.tk, ठीक है, और इसके बाद ये है earn-money.tips, अभी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक शॉर्ट डोमेन मैंने यूज़ किया है, ये जो आपको दिख रहा है avsn.tk, ये मेरा खुद का अनंत विजय सोनी के लिए मैंने परचेस किया है avsn.tk, ये मेरा शॉर्ट डोमेन है। ठीक है, अब मैंने इसके लिए इस पे मैंने क्लिक किया, देखिए ये वही सेम टू सेम लिंक ओपन हो गई है, और देखिए ये सेम टू सेम लिंक ओपन हुई है। ठीक है, तो ये मैंने अपनी वेबसाइट के लिए खरीदी हुई है ताकि लोगों के लिए सहूलियत रहे और ब्रांडिंग में भी काम में आता है, देखने में अच्छा, हर चीज़ में अच्छा। तो ये आपको करना कैसे है, अभी आपको क्या है, बिटली में जाना है, बिटली में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, साइन अप आप करेंगे, साइन अप करने के बाद आप इधर पे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह आप भरिए, और उसके बाद आप इसको साइन इन कीजिए। साइन इन करने के लिए आपको, साइन इन किया आपने, जस्ट अ मिनट, ओपन होने दीजिए। अब साइन इन करने के बाद अभी तक आपने देखा होगा कि आपको इस टाइप से लिंक मिलती थी bit.ly/custom name, ठीक है, ये आपको इस टाइप की लिंक मिलती थी। लेकिन अभी जो मैंने, जब से मैंने अपना डोमेन शॉर्ट डोमेन लिया हुआ है, उसके बाद आप देखिए avsn.tk/earnmoneytips, avsn.tk/hosting-coupons, और या फिर ये बिल्कुल सिंपल लिंक है। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि avsn.tk एक टाइम के बाद लोगों को याद हो जाए कि ये अनंत विजय सोनी का नाम है, जैसे अभी लोगों को याद है कि amzn दिखाई दिया तो वो अमेज़ॉन का है, अभी avsn दिखाई दिया तो उनको याद हो जाएगा कि ये अनंत विजय सोनी का डोमेन है। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग का अंतर पड़ता है। तो ये आपको करना कैसा है, आपको सिंपल सा किसी भी गोडैडी पे आप जाइए, गोडैडी पे, या फिर जहाँ से भी आप परचेस करना चाहें,
आप एक अपने बिजनेस के हिसाब से मान लीजिए, ये अमेजोन था तो इन्होंने AMZN लिया हुआ है, ठीक है, AMZN.2, और फ्लिपकार्ट ने भी FRKT लिया हुआ है शायद। और इस टाइप से आप भी अपने बिजनेस के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जैसे AVS मैंने पहले देखा हुआ था, तो AVS मुझे मिला नहीं, वो ऑलरेडी टेकन था। ये देखिए, AVS.com इज ऑलरेडी टेकन, तो इसलिए मैंने ये लिया नहीं। अभी मैंने लिया है AVSN.TK, ठीक है, ये मैंने लिया है AVSN.TK। अब इसके बाद आपको सेटिंग कैसे करना है, सेटिंग के लिए आपको इधर ये सेटिंग दिखाई दे रही है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है, फिर एडवांस सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्रांडेड शॉर्ट डोमेन, यहाँ इस पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना डोमेन ऐड करना है। जैसे कि मैंने अपना AVSN.TK ऐड करके रखा हुआ है, और HTTPSSL सर्टिफिकेट भी मैंने एक्टिवेट किया था कि सिक्योरिटी के लिए, तो ये दोनों चीज़ें ऑन हैं। इसके बाद आप जब इसको वेरीफाई कर देंगे डोमेन को, वेरीफाई करने के बाद जब भी आप न्यू लिंक क्रिएट करने के लिए जाया करेंगे तो आपके में यही ओपन होगा AVSN.TK, जबकि पहले आपके में ये आता था बिटली। अभी मेरे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन बिटली की लिंक, आप बिटली की जो लिंक होती है वो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन इसीलिए मैंने AVSN.TK परचेस किया। आप भी इसी तरीके से कोई एक शॉर्ट नेम परचेस कीजिए, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है कि महावीर ज्वेलर्स, तो आप MVJ.TK या MVJ.com ऐसे करके एक शॉर्ट डोमेन आप परचेस कीजिए, और आपका आप अपने फिर कोई भी ऑफर भेजते हैं या कुछ भी, तो एक पोस्टिंग में अच्छा लगता है। आप सिर्फ बोलेंगे कि MVJ.com/ring, ठीक है, तो इतने में आपका खुल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा उनको बताएंगे कि आप जाइए महावीर ज्वेलर्स .com/category/rings और फिर ऐसे करके, आप पहुंच ही नहीं पाएगा, शायद बंदा ना पहुंचे। तो इन सभी चीज़ों में ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं। तो ये था कस्टम डोमेन की कहानी, और मेरे ख्याल से थोड़ा नया था, मेरे लिए भी नया था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और दोस्तों, हमारे चैनल AVS टेक अनंत सोनी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप जहां वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद आपके थ्रू उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। और हमारे चैनल और ब्लॉग को विजिट कीजिए, आपके लिए इसमें हजारों टिप्स हैं वर्डप्रेस के, मार्केटिंग के, वेब, मनी, टेक, वीडियो और डील्स। और अगर आप जैसे मैंने अभी इसमें दिया है कि डोमेन आप खरीदना चाहते हैं, तो इधर आपको डोमेन के भी कूपन्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ऐसे करके ये मल्टीपल पैकेज है, आप इस साइट पे आएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सीख के या कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा करवा के ही जाएंगे आप। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।